अच्छा प्लेलिस्ट तो हमने ऐड कर ली बट व्हाट अबाउट इंडिविजुअल फाइल्स इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि वर्ड प्रेस आपको कैसी फाइल्स अपडेट या अपलोड करने की ऑप्शन देता है और उसको आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफरेंट फाइल टाइप्स दैट वर्डप्रेस अलाउज यू टू अपलोड ऑन योर वेब सर्वर सो वी विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट एंड हियर यू विल लर्न कि आप एक ऑडियो वीडियो फाइल या किसी भी तरह की एक और फाइल कैसे अपनी वर्ड वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं अभी तक आपने ये सीखा कि बेशक पेजेस हों बेशक पोस्ट हों बेशक कस्टम पोस्ट हों एवरी एक्शन या एवरी सेक्शन अलाउज यू टू अपलोड फाइल थ्रू दिस बटन दैट इज कॉल्ड एड मीडिया और अभी तो आपने एड मीडिया के बटन से और भी बहुत बहुत कुछ करना है सो स्टे स्टे विद अस सो द प्रोसेस इज द सेम एज एडिंग एन इमेज और प्लेलिस्ट अगर आपने ऑडियो फाइल अपलोड करनी है या वीडियो फाइल अपलोड करनी है प्रोसेस इज प्रेटी मच द सेम आप उसी तरह एड मीडिया के बटन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप करेंगे या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं सो क्वेश्चन जो आपके जेन में आएगा वो ये आएगा कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्ले लिस्ट एंड अ सिंगल फाइल अ प्ले लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स वाइल अ सिंगल फाइल शोज अप राइट देयर सो ये एक थोड़ा सा फर्क है और आपने देखना है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों को अपलोड करने में अगर तो आप बहुत सारी मीडिया फाइल्स दिखा रहे हैं देन अ प्लेलिस्ट माइट बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू बट अगर आप एक सिंगल फाइल पे अपना फोकस दिखाना चाह रहे हैं देन द राइट ऑप्शन इज टू अपलोड अ सिंगल फाइल तरीका क्या है? तरीका वही है आप एड मीडिया के बटन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे आप जो भी अपनी फाइल अपलोड करेंगे आपको पुरानी वो ऑप्शन दिखाएगा बाकी फाइल्स दिखाएगा और वहाँ से आप या तो किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं या एक नई फाइल बेशक वो वीडियो हो बेशक वो ऑडियो हो बेशक वो फ्लैश फाइल हो एस डब्ल्यू एफ़ या पी डी एफ हो उसको आप अपलोड कर सकते हैं विल बी गिविंग यू शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज फाइल टाइप्स डोंट फोगेट टू सिलेक्ट एम्बेड मीडिया प्लेयर क्योंकि हर तरह की फाइल को आप या लिंक कर सकते हैं या आप उसको उधर ही दिखा सकते हैं व्यूएबल फॉर्म में सो डोंट फॉरगेट टू सेलेक्ट द एम्बेड मीडिया प्लेयर का जो एक बटन है जो आपको नज़र आएगा सो so, जिस तरह मैंने आपको बताया यू हैव द चॉइस टू एम्बेड और लिंक इट्स बेटर टू एम्बेड ताकि लोगों के पास वो कॉन्टेंट एक व्यूएबल फॉर्म में नज़र आए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखिएगा कि फाइल नेम्स शुड बी सर्वर फ्रेंडली सर्वर फ्रेंडली से मुराद एक सर्टन वे है जिसमें फाइल्स अगर अपलोड हों तो दे डू नाट कॉस्ट ट्रबल विद योर सर्वर सो कीप इन माइंड टू अपलोड द फाइल्स इन दिस सर्वर फ्रेंडली फाइल फॉर्मेट ये सर्वर फ्रेंडली फाइल फार्मेट आखिर क्या है सो मेक श्योर कि आपकी फाइल्स में किसी तरह की स्पेसिस ना हों इट इज़ प्रिफर्ड अगर स्पेसिस हों भी तो वर्ड प्रेस उसको ऑटोमेटिकली निकाल देगा बट कोशिश करें कि उसके अंदर स्पेस ना हों उसमें कोई पॉस्ट्रॉफी या कोई एक जो कॉलन होता है वो ना हो उसमें किसी की ना हो फाइल में एंड टू द फाइल बिफोर अपलोडिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेज वर्ड प्रेस विल रीनेम इट फॉर यू क्वेश्चन आपके जेन में आएगा कि क्या मैं पी डी एफ या बाकी तरह की फाइल्स अपलोड कर सकता हूं सो वर्ड प्रेस अलाउज यू टू अपलोड वेरी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मैट्स अगर वो फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है तो वर्डप्रेस उसको ऑटोमेटिकली अपलोड करके आपको दिखा देगा अगर वो सपोर्टेड नहीं है तो वो आप लोग अपलोड नहीं कर सकेंगे आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा व्हाट फाइल टाइप्स आर सपोर्टेड यू कैन गो एंड चेक ऑनलाइन इट्स अ ह्यूज लिस्ट बट पीडीएफ्स एनी इमेज टाइप एनी ऑडियो टाइप एनी वीडियो फाइल्स आर सपोर्टेड सम फीट Uh, files are not supported because they are a security risk. So, for example, executable files, exe, PHP files, you would not be able to upload. A question what will happen if I upload a file that is not supported to WordPress? WordPress will block it, but you can enable through certain plugins if you upload specific files. upload. Or question you have can I upload a file type that is

बटन दबाऊंगा तो नाउ आई हैव ऑलरेडी बीन एडेड टू दिस मीडिया लाइब्रेरी या मैं कोई नई फाइल्स अपलोड कर सकता हूं सो पहले एक ऑडियो फाइल अपलोड करके हम देखते हैं ये ऑडियो फाइल है ये ऑलरेडी अपलोडेड है तो मुझे अपलोड करने की जरूरत नहीं है आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट पोस्ट अब आप देख रहे हैं कि यहां पर क्लियर आ गया है सो दिसल इ और अगर मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा तो आपको सामने ये फाइल नजर आएगी बट आई कैन एडिट दिस एंड आई कैन चेंज सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फाइल इज वेल के मैं उसको प्रीलोड करना चाह रहा हूँ मैं उसको ऑटो प्ले करना चाह रहा हूँ मैं उसको लूप करना चाह रहा हूँ कि बार बार ऑडियो लूप होता रहे दीज आर सम ऑफ दी ऑप्शन दैट आई हैव बट अनदर थिंग दैट आई कैन डू इज आई कैन रिमूव दिस एंड आई कैन ऐड दिस मीडिया फाइल अगेन और आई कैन ऐड अनदर मीडिया फाइल सो अगेन ये कुछ ऑप्शन है और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं बेड करना चाह रहे हैं यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज हियर एज वेल अब आप देखेंगे कि फाइल का एक लिंक आया है इट हैज नॉट बिन एम्बेडेड सो ये कुछ तरीके से दिस इज हाउ इट्स अ लिटिल डिफरेंट उसके अलावा अगर मैं इसको एक आ, वीडियो फाइल को यहाँ पे ऐड करना चाहूं तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ आई कैन जस्ट ऐड मीडिया एंड आई कैन क्लिक दिस लाइन की एक सैम्पल फाइल ये थ्री जी पी है इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ अगर मैं इसको लिंक के तौर पे इंसर्ट करूंगा तो ये लिंक के तौर पे यहां पे शो होगी बट इफ आई डू दिस एज एन एम्बेडेड फाइल और अगर वर्ड उस मीडिया फाइल को सपोर्ट करता है तो वो एम्बेडेड की ऑप्शन देगा बट एज़ यू कैन सी वो उसको एम्बेड नहीं कर सकता बिकॉज वर्ड प्रेस डिज़ नॉट अलाउ दैट बट फॉर फॉर थ्री जी पी फाइल्स बट फॉर एम पी फोर वो वहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आई कैन एड दिस एज एन एम्बेडेड फाइल तो वेन आई क्लिक ऑन एम्बेडेड इट विल शो दिस और इस दफा मैं पब्लिश का बटन क्लिक करूँगा ताकि ये पोस्ट एक्चुअली मेरे फ्रंट पेज पे भी पे नजर आए सो वेन आई गो टू डी जी स्किल्स विद हावे आई कैन सी एन एम्बेडेड एम पी फोर फाइल जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है आप लाइव इसको देख सकते हैं सो दैट्स अ फ्यू गुड एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू कैन एड डिट सिंगल फाइल्स नॉट प्ले लिसल फाइल्स बट वट हैपन्स इफ यू एड इन अदर फाइल टाइप मैं आपके सामने एक पी डी एफ फाइल अपलोड करने की कोशिश करता हूँ अगर मैं इसको अपलोड करूं तो इट विल अगेन गिव मी अ फ्यू ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एम्बेड की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि पी डी एफ फाइल्स कैन नॉट बी एम्बेड दे विल ऑलवेज भी लिंक सो मैं इसको अगेन इंसर्ट करूँगा पी डी एफ का अगेन यहाँ पर लिंक आ गया बट लेट्स ट्राई टू एड अ फाइल टाइप विच वर्ड प्रेस माइ टू एक्चुअली ब्लॉक अब आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही क्लिक किया टू एड अ फ्लैश फाइल जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एस डब्ल्यू एफ वर्ड प्रेस ने मुझे अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं किया और वर्ड प्रेस कह रहे हैं कि सॉरी दिस फाइल टाइप इज नॉट परमिटेड फॉर सिक्योरिटी रीजन So, in these certain cases, you can always go and install a plugin. So, ये functionality add करने के लिए हम एक plugin add करेंगे जिसका नाम है SWF. So, मैं S, add SWF के साथ uh, इसको एक keyword लिखूँगा और मैं देखूँगा कि मैं ये plugin मुझे यहाँ पे available है. I can and I've just added this plugin already क्योंकि मुझे यहाँ पे activate का एक option Blurred out Nazar So I can just go to install plugins and I can see that this plugin has already been activated. Up post I can go back to that post that I created and I can see if it gives me the option to add this SWF file or not. So I can click on add media, I will go and select files and I will upload or are seeing that it has suddenly magically allowed me to upload this file. एंड अगेन बिकॉज वर्ड प्रेस डज नॉट सपोर्ट दिस एम्बेडिंग तो वो मुझे सिर्फ लिंक करने के ऑप्शन दे रहा है आई कैन जस्ट क्लिक एंड अपडेट एंड आई कैन गो एंड चेक माई होम पेज और आप देखेंगे कि वो एस डब्ल्यू एफ फाइल फ्लैश फाइल यहाँ पे नजर आ रही है सो दिस इज अ सिंपल एंड ग्रेट वे टू एड न्यू टाइप्स ऑफ फाइल्स टू योर वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस इज एन अमेजिंग मीडिया मैनेजर डिफरेंट तरह की फाइल्स आप इस पर अपलोड कर सकते हैं देख सकते हैं इन फीचर्स को यूज़ करें अपनी वेबसाइट को इनहेंस करने के लिए एंड टू मेक योर वेबसाइट मोर एंड मोर पावरफुल